4:55 हो गए है, 4:55 हो गए। हाँ हम लोग ऑलरेडी 4:43 थे, 10 मिनट लेटे, तो तुम्हारा ही है जो भी है। हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ मुंबई, एक कस्टमर है जिनकी एक स्कॉर्पियो है, उनको अभी PPF कराना है। डायरेक्ट शोरूम से यहाँ पे गाड़ी फ्लैट बेड पे आने वाली है, सो हम पूरा वो शोरूम का डिलीवरी का एक्सपीरियंस एंड वो फ्लैट बेड का वगैरह पूरा कस्टमर के साथ हम लोग ये शूट करने वाले हैं। लेट्स गो। और मेरी 4:55 की बस थी। लोकेशन जो भी, अगर अभी बस छूट गई ना, ये सारा वेस्ट हो जाएगा भाई। वैसे बस काफी कंफर्टेबल है, बहुत टाइम बाद मैं बस से ट्रैवल कर रहा हूँ। अभी जो है वाशी में हम लोग, अभी हम हमारे डेस्टिनेशन में 1 घंटे के आसपास में पहुंचने वाले। 8:40 का आएगा हमारा अराइवल है, और अंधेरी से हमारा वो लोकेशन अराउंड 3.5-4 किलोमीटर के आसपास है। सो वहाँ से भी कैब करके वहाँ पे महिंद्रा के शोरूम में पहुँचने। अभी मैं अंधेरी वेस्ट पहुंच चुका हूँ। महिंद्रा का शोरूम एक्चुअली अभी तक खुला नहीं है, कस्टमर से भी मेरी बात हो चुकी है, कस्टमर 10-15 मिनट्स में यहाँ पे पहुंच रहे हैं। एग्जैक्टली 12 घंटे बाद, 5 बजे गया था, 5 बजे आ गए। वेलकम बैक। क्या क्या घूमा है? कुछ नहीं। क्या क्या घूमाए? क्या क्या घूमाए? अंधेरी, अंधेरी ईस्ट, अंधेरी वेस्ट, और फिर अपना वही एक्सप्रेस वे, और कहीं गई नहीं। 2 या 3 घंटे मुंबई में रुके। गाड़ी आ रही है। अच्छा। ट्रक में है ना, ट्रक स्लो स्लो आती है। हाँ। मैं सामान रख के आया।
एक्सपीरियंस कैसा रहा आज आपका? अच्छा था एकदम। आप में से बड़ा, आप में से बड़ा कौन है? मैं 15 मिनट बड़ा। अभी मेरी ना, मेरी ऐसी है नजर, ये देखो बारीक बारीक, वो जाता ही ध्यान ही उधर जाता है, वो डस्ट है थोड़ा सा, पेंट में आता है थोड़ा बहुत, बट अपना ध्यान ही वही जाता है और कुछ दिखता ही नहीं है। इसको थोड़ा सैंड करूंगा यहाँ पे, इसको कम करूंगा। चिप है शायद, एक छोटा सा चिप है, ठीक है, वो इतना दिखेगा नहीं वैसा, एक डॉट है हल्का सा। ट्रेलर में लेके आने का आइडिया क्या था वैसे? ट्रेलर में ऐसा ही, पहले पूरा काम होने के बाद ही चलाएगी गाड़ी को, प्लानिंग हुई था पूरा हो जावे। ब्लैक ब्लैक है सर, ब्लैक गाड़ी का लुक ना कोई कलर बीट नहीं कर सकता। वाइट एकदम इजीली अवेलेबल था, मैं इसके लिए 2-3 महीना रुका ब्लैक के लिए। सर थोड़ा सा इधर भी घसा हुआ है दरवाजे पे हल्का सा, ये देखो बारीक है। उधर मैं कोशिश करता हूँ, अगर ब्लैक का एक बहुत बारीक डॉट छोड़ के क्लियर छोड़ सकूँ ना, मैं वो ट्राई करता हूँ। वो वाइट डॉट जो दिख रहा है ना, उसको कवर करने का कोशिश करता हूँ। एंटी रस्ट मैं एक बार चेक करूँगा सर, बॉडी उठाता हूँ मैं, अगर नीचे से कवरेज पूरा रहा तो मैं वो सर्विस कैंसिल कर दूँगा। कोई कोई ब्रांड्स में पहले से आता है, हम लोग कराने आ लेते हैं। नहीं नहीं, पर कोई कोई कंपनी से ऑलरेडी आती हैं, वो डीलरशिप वाले बेचेंगे आपको। अभी जैसे हैरियर है, हैरियर में अंडर बॉडी ऑलरेडी आती है। जहाँ अंडर बॉडी कहाँ लगता है? मेनली जो वेल्डेड जॉइंट्स रहते हैं ना, वहाँ पे लगता है। कंपनी वाले उतना प्रिकॉशन करके देते हैं। कोई कोई ब्रांड नहीं करता है, कोई कोई ब्रांड करता है। कई गाड़ी में जिसमें नहीं होता, फिर हम रिकमेंड करते हैं कि करो। और कुछ आपके हिसाब से और कुछ करना है गाड़ी? और कुछ करने का जरूरत नहीं है, पूरी गाड़ी PPF है, छत सिरेमिक कोट है, और उसके अलावा व्हील्स ब्लैक है और कैलिपर रेड है। एक बार चेक कर ले, यही है, और अंडर बॉडी कोटिंग है और एड ऑन कोटिंग है। कुछ डोर पे पूरा कैविटी मारा था अभी, क्या? हाँ, जब आप गाड़ी ले रहे थे ना, अने कल मारा। क्यों मारा? वो तो उसके अंडर में ही था, वो सर्विस ऐड करके मार दिया। हाँ, सर्विस अंडर डोर के अंदर, डोर में और बाकी पूरी गाड़ी में कैविटी वैक्स ऑलरेडी आता है। आता ही है, कंपनी को जहाँ से लगता है ना, जहाँ जहाँ पे वाटर चैनल्स रहते हैं वहाँ पर ऑलरेडी कैविटी वैक्स आता है। चिपका दिया, कैविटी वैक्स चिपका दिया। पर वो ऐसी चीज है, वो इजिली निकलता नहीं है, वो जम के बैठता है। मैं देखता हूँ, उसको ट्राई करता हूँ। कैविटी वैक्स है काम की चीज, हर ब्रांड की गाड़ियों में ऑलरेडी आता है। जब गाड़ी पुरानी हो जाती है, जब 3-4 साल पुरानी हो जाती है, तब लगता है कैविटी। मैंने एक बार माइंड सेट कर लिया था, ब्लैक ही चाहिए मुझे। एक बार PPF हो गया फिर कोई टेंशन ही नहीं है ना, ब्लैक का लुक ही अलग रहता है। उसमें क्या है, लोग सोचते हैं ब्लैक विद टाइम जैसे डल हो जाता है, एक्चुअली हर कलर डल होता है। ब्लैक पे रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, इसके लिए ब्लैक में थोड़ा दिखता ज़्यादा है, वाइट येलो पड़ जाता है, सिल्वर पूरा एकदम डार्क या अपना शाइन लस्टर खो देता है, मतलब सभी कलर डल होते हैं। उस दिन हमने एक मर्सिडीज़ के 2 पैनल पेंट किए थे, वो अलग ही दिख रहे थे कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द कार, कलर पूरा एकदम दब गया था बाकी का कलर। ये फ्रेश जो है वो कलर इतना सुंदर निकल रहा था ना, पॉप आउट हो रहा था। पर एक बार PPF लग जाएगा तो फिर टेंशन ही ख़त्म है। महिंद्रा और टाटाज विद टाइम थोड़ा रस्ट होती हैं, अगर खारे पानी में धुलती हैं तो अगर आपके इधर बोरिंग का पानी है या जैसे खारा पानी है ना, ऑब्वियसली मुंबई साइड में हवा में भी नमी है, तो वॉशिंग के इंटरवल्स थोड़े कम रखना। रोज धोने की जगह ना गाड़ी को, एवरी सेकेंड थर्ड डे उस तरीके से आप करो। अगर धूल बैठी है तो खाली उसको वाइप डाउन कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व। चलिए सर भी, ठीक है सर, आप हो जाएगा तो आपको ये। हाँ, मुझे डिटेल आप भेज दीजिए। ऑलराइट, चलिए ओके, आराम से जाइएगा। जरूर, ठीक है, गुड नाइट सर। तो क्लाइंट ने अभी गाड़ी छोड़ दी है और वो थाने वापस जा रहे हैं। इस गाड़ी पर हम कल सुबह काम शुरू करने वाले हैं, 2-3 जगह पर चिपिंग है। वॉश करने के बाद एक बार मैं देखूंगा कहीं और भी अगर वो प्रॉब्लम है तो। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय Budmo। Budmo आर दी ऑनलाइन एक्सपर्ट्स व्हेन इट कम्स टू स्पेयर पार्ट्स। आप Budmo.com पर जाकर अपनी गाड़ी के जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स घर बैठे खरीद सकते हैं। Budmo हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट कैटलॉग्स फॉर स्पेयर पार्ट्स, चाहे आपके पास एक छोटी गाड़ी हो या फिर एक लग्जरी गाड़ी हो। Budmo अपने सप्लाई किए हुए स्पेयर पार्ट्स पर 10 डे की अश्योर्ड रिटर्न पॉलिसी भी ऑफर करता है। You can check out their website and also download their app. It's available on Android and iOS both. इसको 3000 का पेपर हल्का सा मार, थोड़ा सा बड़ा, और फिर यहाँ पे मैं रबिंग करता हूँ।
10:07 हो रहे हैं, ऑफिस में कोई भी नहीं है, क्या कर रहे हो? स्कॉर्पियो का एस्टिमेट बना रहा हूँ। स्कॉर्पियो का एस्टिमेट? हाँ। और कल छुट्टी है भाई? हाँ कल छुट्टी है। बजट में तो बहुत सारा गाड़ी है, टाटा सफारी, एमजी एक्टर, बहुत सारा था, मगर एक स्कॉर्पियो का इमोशन जुड़ा हुआ रहता है। गाड़ी स्कॉर्पियो ही पसंद था, काफ़ी टाइम से प्लानिंग भी था स्कॉर्पियो ही लेने का। देखा जाए तो बाकी सब गाड़ियों में ज़्यादा फीचर्स है इस रेंज में, मगर स्कॉर्पियो एक अलग ही मज़ा है, उसमें एक इमोशन जुड़ा हुआ है गाड़ी के साथ। कई सारे वीडियोज़ देखे थे हमने यूट्यूब पे आपके चैनल्स के, पीपीएफ का, डिटेलिंग, कलर्स का, उनका, आपके खुद के सर के गाड़ी का, स्कॉडा का देखे थे कलर करते हुए, वो वीडियोस भी देखे थे। उससे यानी इंस्पायर्ड हुए थे कि जब भी नया गाड़ी लेंगे तो डायरेक्ट आपके ब्रोटोमोटिव पे ही देंगे, यहाँ से डिलीवरी सीधा प्लानिंग था हमारा, ब्रोटोमोटिव पुणे में ही देंगे। लोग इस वीडियोस में देखा था मैंने, कई बार बताए थे कि नया गाड़ी लेने के बाद पहले ही पीपीएफ हो जाता तो क्या पेंट प्रोटेक्शन भी रहेगा, तो एक तरह से सेफ हो जाता है गाड़ी का, पेंट भी प्रोटेक्शन हो जाता है। और ब्रोटोमोटिव के लिए खास करके थैंक्स उन्होंने अपने मीडिया टीम से हर्षल भाई को भेजे खास पूरा शूट करने के लिए, रियली थैंक्स टू हिम।
आपके हिसाब से गाड़ी अच्छी हुई? एक नंबर हुआ है गाड़ी। शाइन अच्छा आया गाड़ी में? एक नंबर। ब्लैक व्हील सूट कर रहे हैं? उससे अच्छा हुआ है काम। कलर अच्छा लग रहा है, आई लव इट्स को। वो रेड भी एक्चुअली ब्लैक को सूट कर रहा है। आपकी गाड़ी में टेल लाइट और कैलिपर दो आइटम रेड है, बाकी सिल्वर थोड़ा थोड़ा हाईलाइट सुंदर लग रहा है। गाड़ी प्यारी लग रही है, काम एक नंबर हुआ है। थैंक यू सर। सो थाने से ये गाड़ी आई यहाँ पर पीपीएफ के लिए फ्लैट बेड में, और एक दो जगह पे चिपिंग था। अच्छा आपको वो दिखाऊँ मैं? वो डॉट जो हाँ था। ये था जो आपका था ना, पता ही नहीं चलेगा किधर था पहले। हाँ कहाँ था ये रहा, ये देखो दिख रहा है। और एक इधर भी था, ये वाला भी मैंने कवर कर दिया, वो भी नहीं दिख रहा। एक नंबर हुआ, दो डॉट थे ना? हाँ दो डॉट थे। गाड़ी हमारे पास आई थाने से, और सर बहुत ज़्यादा शौकीन है। मैं जब थोड़ी थोड़ी कहानी सुना तो मुझे अभी समझ में आया, सर ने पूरी गाड़ी पीपीएफ कराना था। हमारे पास पहले बुकिंग कर दिया था, तब गाड़ी की डिलीवरी लेने भी हमारे टीम मेंबर गए थे साथ में सर के। एंड वहाँ से गाड़ी आने के बाद हम लोगों को गाड़ी पे दो जगह पे चिपिंग मिले, वो हमने सॉल्व कर दिए। गाड़ी का अलॉय व्हील थोड़ा घस गया था, हम तो पेंट करने ही वाले थे, तो वो भी सॉल्व हो गया। ओवरऑल गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है। आई होप आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस अच्छा रहा हो सर, हमारी तरफ से कोई आपको परेशानी नहीं? नहीं नहीं सर, का ग्रेट एटीट्यूड और हार्ड वर्क रियली वाज वेरी मच अप्रिशिएटेड। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू सर। कोई भी काम रहे मेरे लिए आगे तो जरूर बताइएगा सर। कभी मुंबई आए तो मिलते हैं। जरूर जरूर सर, जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। चल ठीक है, गाड़ी का शूट हो गया तेरा पूरा।